हेलो फ्रेंड, आरती रोज ब्लॉग चैनल में आपका स्वागत है। और हम जा रहे हैं अब गद्दा लेने, रस खाएंगे क्योंकि आज चाय बनी है हमारे यहाँ पे। अभी वैसे रोज बनती है, अब गर्मी पड़ने लगी है इसलिए आज अभी बनी है। अब ये हमारा गांव है, सुंदर सुंदर गांव। देखो ये मंदिर बना है। अब हम दुकान पे जा रहे हैं, दुकान से लाएंगे रस या ब्रेड या गद्दा। ब्रेड है, ब्रेड और गद्दा एक पैकेट दे दो। गद्दा पंद्रह वालों है। अरे कितने हो गए, जल्दी दे दो भैया हमें। ले हमने ले लिया गद्दा, अब हम जा रहे हैं खाएंगे चाय के साथ। और गद्दा देख के आरती भी बहुत खुश हो जाएंगी। ये हैं हमारे भतीजे महेश और ये हमारे पोता पोती, क्योंकि अपने गांव में हम सबके बाबा चाचा लगते हैं। देखो हमारी बिटिया को ऐसे बांध के मोटरसाइकिल पे फिर घुमाया जाएगा, इसे ऐसे बांध के। घूमने के लिए बहुत शौकीन रहती हैं, घूमने के लिए बहुत शौकीन, तो बैठ नहीं पाती है, इसे बांध के घुमाया जाएगा। अब ये चुप हो जाएगी, देखो ये अब चुप हो गई है। देखो ये लो गद्दा, जल्दी बना दो हमें। चाय चाय पीनी है, चाय पीनी है, जल्दी ना, तभी तो लाए हम। चाय पीनी इसलिए तो लाए, लो चाय रखी, आ जाओ जल्दी लाओ, जल्दी खाओ। मम्मी और खाओगी? आप लोग खा रहे हैं गद्दा ब्रेड, लो खा लो। तुम तो जेवात में भूखी रहती हो, लो बाद में श्रृंगार करियो, पहले हमारे नाखून, पहले नाखून काट दो हमारे। भैया देख लो, अब आरती हमारे नाखून काटेंगी क्योंकि हम अपने आप नाखून काट ही नहीं पाते, हमारे कट जाते हैं। अब आरती काटेंगी, बोलिए हमें गांव के ब्लेड से काटू नाखून। हम नेल कटर, नेल कटर और नेल कटर हम नहीं लाते हैं। चलो तुम ना रखो, हम जाम कर लेंगे, हम नेल कटर। जल्दी काट दो ना, उंगली मत काटियो। तबे तो कह रहे हैं कि चिंटी ले आओ, नहीं कटो। और भैया वीडियो हमारी लास्ट तक देखा करो, क्योंकि हमारा अभी चैनल मोनेटाइज नहीं हो पाया है। वैसे आज थे हम दाढ़ी और बाल कटवाने को, लेकिन अब कल ना कटियो, कल बृहस्पति बार है, हमारे पास टाइम नहीं मिला, टाइम ही नहीं होता है। हम शुक्रवार को कटाएंगे, शनिवार को वो है, फिर शिवरात्रि, शनिवार को महाशिवरात्रि है। भैया महाशिवरात्रि वाली वीडियो हमारी ज़रूर देखना, क्योंकि यहाँ पे कहीं नहीं मनाई जाती है ऐसे शिवरात्रि मनाई जाती है। बहुत बड़ी बारात शंकर जी भोलेनाथ की निकलती है, और वो वीडियो मिस मत करना। 18 तारीख को बहुत अच्छी शादी निकलती है भोलेनाथ की। ये हमारी बिट्टू बहुत रोती है, बताओ भैया क्या करिए, बहुत रोती है, दिन भर रोती रहती है दिन भर। आज तक हमने कभी अपने आप नाखून नहीं काटे। पहले कौन काटा था? पहले मेरी मम्मी काटती थी, मेरी मम्मी ने काटे पहले, क्योंकि अब जब हम काट ही नहीं पाते हम कट जाते हैं। तो इतने अब तुम ना काट दियो, मैं तो अपने आप काट लो ना, जल्दी पैर के नाखून काटो। मना कर रहे हैं कि पैर के नाखून हम नहीं काटेंगे, अब बताओ। नहीं इतने इतने तगड़े नाखून कर ले तो कटवाओ, ये हाथ क्यों हमारा कट जाएगा, तो देखो
नाखून काट, पति के पैर के नाखून काटो तो पुण्य नहीं मिलता है। ये तो ऐसे बड़े कर लियो, जब कहा है तो कटवाओ ना। पहले पाए, पहले पाए में भिगो आप पानी में, फिर जल्दी कर। डायरेक्ट स्वर्ग में एंट्री होगी तुम्हारी। अरे ऐसे काटो, डायरेक्ट स्वर्ग में तुम्हारी एंट्री होगी। पति की सेवा पूरी दम लगा देती हो तुम, तब भी ना नाखून नहीं कट रहा इनसे। पहले हम पैर भिगोए पानी से, तब हमारे नाखून कटेंगे। नाखून तगड़े हैं। लो भैया भिगो लिए हमने पैर, अब तो कट जाएंगे। लो काटो जल्दी, काटो जल्दी भैया। अब हम गांव में घूम घूम के ब्लॉग बनाएंगे, अब सब लोग देखना। अब पूरे गांव में ब्लॉगिंग करेंगे हम, घूम घूम के वीडियो बनाएंगे। देखो आरती पूरी दम लगा दे रही नाखून काटने में। तुम ध्यान रखा करो ना, हमने दसन नाम कही, तुमने सुनी? भैया हमारे नाखून अब कट चुके हैं, अब हम घूमने जाएंगे गांव में, फिर वीडियो अपलोड कर देंगे। और